अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 आज का जो क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल PQR राइट कैंडिडेट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ tan P cos P एंड सॉरी sin P cos P एंड tan P हमें दिया हुआ है एक राइट ट्रायंगल हमें दिया हुआ है उसमें से हमें दो साइड्स का सम जो है वो 25 है और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला है अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है उसमें कम से कम आपको दो साइड मालूम होनी चाहिए, तो तीसरा साइड हम फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक साइड और दो साइड इसका सम देकर है, तो उन समझी मैं आपको भी समझाऊंगा। मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, सवाल कहता है पी क्यू और आर राइट एंगल डेट, राइट एंगल वो बनाता है क्यू पे, ठीक है। मुझे आप बताओ सवाल कहता है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और इन दो साइड्स का सम है 25, अलग अलग मुझे दो साइड नहीं है, अब है पी आर एंड आर क्यू इनका सम जो है दैट इज 25। अब कैसे निकलेगा, हालांकि इससे पहले हमें सिंपली दो साइड गिवन होते थे आपको सोचना ये या इन दो में से एक हम यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम, आज भी पाइथागोरस थ्योरम के ही जरिए निकलेगा, आसान है डिफरेंशियल की, यानी कि अगर आपको एक राइट ट्रायंगल में एक साइड और दो साइड्स का सम देकर होगा तब भी हम तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। पूछो कि मुझे सबसे पहले बताएं गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आप देखो ना यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल क्यू PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, इन दो का सम है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे एक राइट ट्रायंगल में दो साइड पहले मालूम नहीं होंगे, इसलिए मैं क्या करूं, मैं इन दो में से पहले एक को निकालूंगा, चाहे मैं PR को या QR को, मेरी मर्जी, यहां पे कोई भी इशू नहीं है। कैसे निकलेगा, चलो मैं पी आर को ही निकालूंगा, पकड़ हाइपोटेन्यूज, तो पी आर वहीं पे रहेगा 25 अपने साइड में, ये और गैस माइनस, यहां से प्लस था ये गैसी और ये माइनस क्यू आर निकला मुझे वहीं कर साइड में पाए, अब मुझे दो, ये तो पहले ही पांच था, ये कुछ अदरा में वहीं पी आर अब मुझे निकला 25 माइनस क्यू आर वहीं कौन सा साइड में पाए, हालांकि हाइपोटेन्यूज अभी क्लियर से मुझे पता नहीं है, लेकिन अब मैं पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकता हूं। अब मुझे ये साइड जो है परपेंडिकुलर ये मुझे मालूम नहीं, देखें यहां पे राइट एंगल बनता है तो इसके अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, इन दो में से एक बेस है एक परपेंडिकुलर है वो अभी क्लियर नहीं है, हालांकि ले भी सकते हैं एक हिसाब से क्योंकि इनमें से एंगल हमें लेना है पी, देखो साइन पी कॉस पी टेन पी, अगर ये एंगल मुझे पी को लेना है, पी के अपोजिट वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, ये जो बेस और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं थर्ड साइड को फाइंड करूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बगैर अप्लाई बाय पीजी थ्योरम कॉमा वी गेट पीजी थ्योरम कहती है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, तो एच का स्क्वायर यहां पे क्या है पीआर स्क्वायर, पहले मैं ट्रायंगल के साइड्स का नाम लिखूंगा यहां पे h का स्क्वायर यहां पे क्या है yeah. इसका मतलब है pr स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहां पे है pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर, ऐसा ही है बच्चों। अब मैं वैल्यूज देता हूं और कुछ भी नहीं करना, लिखो मत अभी, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, pr स्क्वायर इसको मैं इसके कितना है ये 25 माइनस qr ए मत देख भी ये 25 माइनस qr nx स्क्वायर, इस पूरे को मुझे स्क्वायर डालना पड़ेगा, क्यों मुझे लिखना है ना पीआर स्क्वायर, पीआर का वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यूआर वो इसका स्क्वायर इज इक्वल पी के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर इज इक्वल सॉरी प्लस प्लस मुझे याद नहीं प्लस क्यूआर स्क्वायर इसको मुझे फाइंड करना ही वही कहां कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी निकलेगा आपका थर्ड साइड कोई इशू नहीं है, तो यहां पे ये फार्मूला बन रही है ए माइनस बी का, सुने आपको नहीं लग रहा फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर से बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, शाबाश, तो इसी फार्मूला के तहत मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, a स्क्वायर मतलब क्या a को 25
गोर 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू फार्मूला ए के बाद फिर से 25 बी के बाद क्यू आर मैंने इसको एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इसी के तहत मैंने इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया इस लेफ्ट हैंड साइड पर अच्छा इज इक्वल टू 5 5 = 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर समझी आसान है कोई मुश्किल नहीं यहां पे इसको अब हम सॉल्व करेंगे कहां पे 25 into 25 625 25 होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर अब इन दो को यहां पे जरा 2 into 25 50 - 50 अच्छा और साथ में रहेगा क्यू आर ठीक है ना इंटू है यहां पे तो इंटू रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल कौन सा इज इक्वल 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे भी क्यू आर स्क्वायर और राइट हैंड साइड में भी क्यू आर स्क्वायर ये मैं आपको कैंसिल कर या ऐसे भी आप कर सकते हैं क्यू आर स्क्वायर यूर इज माइनस तो फिर प्लस माइनस यहां से भी कैंसिल होगा लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं क्यों जो आप लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहे हो स्विच से हटाओ राइट हैंड साइड से इसमें फिर से इक्वेशन बैलेंस में मुझे फर्दर सॉल्व कर रहे देखिए क्या करते हैं यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल क्या ये कॉन्स्टेंट मैं उधर ले जाऊंगा यानी कि कॉन्स्टेंट मैंने एक साइड में किया वेरिएबल एक साइड में 625 कैसे -625 अब यहां पे -50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में 25 काटो 600 लेकिन माइनस क्योंकि माइनस बड़ा है ना यहां पे माइनस किसको 625 को -600 अब क्या होगा आप ही बताओ क्यू आर वहीं पे रह जाएगा इसके साथ जो इंटर है वो चला जाएगा डिवाइड ऐसे हम करते हैं ना वेरी गुड तो QR is equal to -600 divided by -50 minus minus cancel last पे zero इसको भी है last पे zero इसको भी है cancel कर सकते हैं five ones are five एक carry बनियो ten five two जाते हैं QR मुझे निकला short में वो निकला मुझे 12 मुझे निकला अब देखें मुझे लेकिन असल में ये नहीं निकालना है wait अगर मुझे आप इसका ये साइड निकला उस QR ये मुझे कितना निकला 12 वेरी नाइस अच्छा जब मुझे ये 12 है PR कितना होगा फिर 25 देखो वो मैंने रखा था ना यहां पे PR के लिए देयरफॉर PR जो है वो मैंने यहीं पे रखा था 25 25 माइनस QR अच्छा PR निकलेगा बराबर 25 माइनस QR मुझे क्या निकला QR निकला ना 12 माइनस 12 सुकुदा को PR निकला मुझे 30 फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना आसान है अब निकालो साइन पी एंगल किसको लेना है पी को इसका मतलब जब मैं पी को लूंगा एंगल या इस पर इसके अपोजिट वाला साइड पर पेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज तो इसका मतलब यही रहेगा जो जैसे अभी है तो साइन की फॉर्मूला सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी सुना साहब साइन की फॉर्मूला पी बाय एच व्हेन यू स्पीक विद अशन 12 और एच कितना है 30 इसका कोई कसर नहीं कटेगा ड्रॉ बस ऑफ बैक अब मुझे निकालना है इसके बाद सवाल क्या है ना फाइंड साइन पी अब कॉस की फार्मूला है बेस बटा है हाइपोटेन्यूज है बेस बटा तो बेस यहां पे है 5 हाइपोटेन्यूज जो है वो है 30 कसर गए आसान है ना एंगल चेंज नहीं हो रहा है उसका एक्सटेंड इज ऑन साइन पी यहां पे भी एंगल पी यहां पे भी एंगल पी यहां पे एंगल पी तो इसलिए वही जो बेस है वो बेस ही है जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है हाइपोटेन्यूज अब मुझे लास्ट पे tan p निकालना है tan की फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर इज 12
एंड बेस इज 5. तो इस तरीके से मैंने साइन पी, कॉस पी और टेन पी को निकाल दिया. क्लियर गो भाई? Yes, sir.